बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ प्रशासन गाजीपुर से लेकर लखनऊ तक सक्रिय हो गया है। पहले गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के करीबियों पर सख्ती दिखाई गई तो अब कार्रवाई की आंच लखनऊ तक पहुंच गई है। गुरुवार को एलडीए के आदेश के बाद लखनऊ के डॉलीबाग कॉलोनी में बनाई गई एक टावर बिल्डिंग को जेसीबी लगाकर ध्वस्त कर दिया गया। बताया जा रहा है कि ये बिल्डिंग मुख्तार अंसारी के बेटों के नाम दर्ज है। एलडीए ने इसे गिराने का आदेश दिया था। गुरुवार को एलडीए की टीम जब इमारत गिराने पहुंची तो विरोध का भी सामना करना पड़ा। बता दें कि इस दौरान एलडीए और पुलिस प्रशासन समेत 250 से अधिक पुलिसकर्मी और 20 से अधिक जेसीबी लगी रही। बताया जा रहा है कि शत्रु संपत्ति पर कब्जा कर ये अवैध इमारत बनाई गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हजरतगंज और उससे जुड़े इलाकों में मुख्तार की कथित तौर पर 19 संपत्तियों की जांच की जा रही है। इससे पहले ऐसी ही कार्रवाई गाजीपुर और मऊ में भी हो चुकी है। मुख्तार के करीबी बताए जाने वालों में आजमगढ़, जौनपुर और वाराणसी में भी कार्रवाई की खबर है। मुख्तार अंसारी पर बेनामी संपत्ति बनाने और भूखंड कब्जाने के आरोप लगाए जाते रहे हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर कार्रवाई होते पहली बार देखा जा रहा है। हमारे ऐसे ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।